नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियन टिप्स पर एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो भाइयों, मैं किसी प्लांट के ऊपर नहीं बना रहा हूँ। मेरे कुछ मित्र हैं जो नाथ संप्रदाय से हैं और मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, उन लोगों के द्वारा मुझसे ये रिक्वेस्ट की गई कि प्लीज सर एक वीडियो बनाए जो नाथ संप्रदाय के ऊपर हो, जिससे कि हमारे हिंदुस्तान के बाकी भाइयों बहनों को नाथ संप्रदाय के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और जो नाथ संप्रदाय के भाइयों हैं उनको भी नाथ संप्रदाय के बारे में कुछ डिटेल्स में जानकारी प्राप्त हो सके। तो भाइयों, आज का वीडियो सिर्फ इसी के ऊपर है। जो कल मैं वीडियो डाउनलोड करने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, वो प्लांट के ऊपर रहेगा, वो रहेगा चाइना पाम के ऊपर। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, ठीक है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में नाथ संप्रदाय, जिस संप्रदाय से मैं भी आता हूँ, का आरंभ किसने किया था। नाथ संप्रदाय का आरंभ करने का श्रेय आता है श्री एकनाथ जी को। एकनाथ जो कि पहले आचार्य थे हमारे नाथ संप्रदाय के, जिन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इनके बाद में कुल 9 और नाथ संप्रदाय के प्रमुख जो थे, मठाधीश कह सकते हैं जिनको आप, हमारे प्रमुख थे वो और थे, ठीक। एकनाथ जी ने आरंभ किया। लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि जो गुरु गोरखनाथ जी थे उनके द्वारा नाथ संप्रदाय की स्थापना हुई, लेकिन नाथ संप्रदाय की स्थापना किए थे गुरु एकनाथ जी ने, ठीक है। इनके बाद में एकनाथ जी के बाद में क्या हुआ, एक और हमारे गुरु थे जो मत्स्येंद्रनाथ थे। इनके जो परम शिष्य थे, वो थे कौन, गुरु गोरखनाथ। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जितने भी आर्यवर्त में, यानी संपूर्ण हिंदुस्तान जो प्राचीन हिंदुस्तान था राम जी के टाइम का, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, आधा अफगानिस्तान, आधा चाइना, जो सब कुछ हिंदुस्तान का हिस्सा था, उस आर्यवर्त में इन्होंने क्या काम किए थे गुरु गोरखनाथ जी ने, इन्होंने नाथ संप्रदाय को एक किए थे मुगलों से, आक्रमणकारियों से लोहा लेने के लिए, ठीक है। इसीलिए कुछ लोगों को लगता है कि गुरु गोरखनाथ जी ही जो है वो नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं, ठीक है। तो जो गुरु एकनाथ जी थे वो साक्षात शिव जी का स्वरूप थे, यानी कि शंकर भगवान जी के अंश अवतार थे कौन, एकनाथ जी, जिन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। और गुरु योगी जो है गोरखनाथ जी, इन्होंने क्या काम करे, नाथ संप्रदाय को एक करे, ठीक, डाउट क्लियर। दूसरी बात ये है कि अगर आपको नाथ संप्रदाय के बारे में पूरी जानकारी, ए टू जेड जानकारी चाहिए, तो ये बुक मैंने अभी इंटरनेट पे रिसर्च किया था। सर्च करने के बाद ये बुक मुझे मिली। इस बुक पे नाथ संप्रदाय के बारे में लगभग पूरी जानकारी है, जितनी जानकारी आपको आवश्यक है आपके लिए वो पूरी जानकारी इसमें शामिल है। इसका नाम है श्री गोरखनाथ महापुराण। इतनी मोटी बुक है, अब आप सोच सकते हैं इसमें लगभग पूरी जानकारी है नाथ संप्रदाय के बारे में। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ये बुक ले लीजिए, नेट पे मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। तो इसी बुक के माध्यम से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, जो भी जानकारी है, ठीक है। तो नाथ संप्रदाय है क्या, नाथ संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जो शुद्धतम आर्य संप्रदाय है, यानी कि जो शुद्ध हिंदू है वह नाथ संप्रदाय के अंदर आते हैं। अब हिंदू का मतलब क्या है, जो आर्यवर्त था हमारा प्राचीन आर्यवर्त, उस समय क्या हुआ, जो एकनाथ जी थे इन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना तो कर दी थी, लेकिन जो ये हैं गुरु गोरखनाथ जी, इन्होंने क्या काम करे, इन्होंने नाथ संप्रदाय को व्यापक दृष्टिकोण से बड़ा करे। तो इन्होंने क्या काम किए, जितने भी हिंदुओं में जैन संप्रदाय के लोग थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, ठीक है, ब्राह्मण थे, इन लोगों को इन्होंने एक करा। एक करने के बाद में इनको प्रशिक्षण दिया गया, जिस तरह से आज स्वयंसेवक संघ के लोगों को आरएसएस के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, इसी तरह का प्रशिक्षण इन्होंने दिया और इस संप्रदाय को कहा गया नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय में लोगों को जो प्रशिक्षण दिया गया वो सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि जो बाहरी आक्रमणकारी मुगल हैं उनसे लोहा ले सके और हमारे देश को सुरक्षित रख सके, ठीक है। और
अगर आपको नाथ संप्रदाय के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे से नीचे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और भाइयों, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और अगर आप नाथ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं तो मेरे इस वीडियो को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपके बाकी मित्रों को, परिवार के सदस्यों को सेंड करें, फॉरवर्ड करें। और मेरे सब्सक्राइबर्स के नाते मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि कभी भी किसी भी मूक पशु को मारे नहीं, ठीक है। लोग कहते जरूर हैं कि भैया बलि बलि चढ़ा रहे हैं, है ना, बलि कोई काम की नहीं होती है। जो बलि देते हैं अधिकांश लोग काली माता को बलि चढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन काली माता कौन है? शंकर भगवान जी की पत्नी है, अर्धांगिनी है। और शंकर भगवान का एक दूसरा नाम क्या है? पशुपतिनाथ, यानी कि पशुओं के देवता। अब इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है महादेव जी, जो पशुओं के प्रति अपनी दया दृष्टि रखते हैं, पशुओं के देवता कहा जाता है जिनको, अगर आप उनकी अर्धांगिनी को किसी पशु का वध करके आप चढ़ाएं तो क्या वो खुश होंगे? ये आप खुद सोचिए, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम।